हमने जिस भी वार्ड से कॉर्पोरेटर को जिताकर भेजा वो आगे जाकर कॉर्पोरेटर नहीं कॉन्ट्रैक्टर बना है। ट्रिपल तलाक के बिल में कांग्रेस ने क्या किया, बाबरी मस्जिद केस में कांग्रेस ने क्या किया, और आज कांग्रेस की क़यादत भी खत्म होने के इस पे कगार पे आ चुकी है। तो खड़गे साहब के फर्जंद जो अपने चाहने वालों को जो टिकट दिए हैं उसकी वजह यह है कि यहाँ के नॉर्थ की सीट भी वो लोग एस सी रिजर्व करना चाहते है। असदुद्दीन अवैसी साहब के कारनामे अगर बताता चलूं तो मैं समझता हूँ अगला इलेक्शन आ जाएगा उनके कारनामे खत्म नहीं होंगे। कॉर्पोरेशन से उर्दू बोर्ड को निकाल कर फेंका जाता है, ये हमारे मुस्लिम कॉर्पोरेटर खामोश खड़े मिलते हैं। ना मेरा कोई बड़ा कारोबार, ना मेरा कोई बड़ा कॉलेज, ना मेरा कोई बड़ा घर, मैं आप लोगों के बीच में से आया हूँ। सितम भी सहना, दुआ भी देना, वो बेबसी का गया जमाना। अगर जरूरत मेरे साथ आओ, बना रहा हूँ एक नया आशियाना, बना रहा हूँ एक नया आशियाना। वार्ड नंबर 14 जुबेर कॉलोनी के खुददार नौजवान सैयद मोइन साहब, बुजुर्गों, पर्दानशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा यहां जमा होने का मकसद आने वाला कॉर्पोरेटर इलेक्शन है। हर बार हमने जिस भी वार्ड से कॉर्पोरेटर को जिताकर भेजा वो आगे जाकर कॉर्पोरेटर नहीं कॉन्ट्रैक्टर बना है। इस बार आपको मजलिस को मजबूत करना है, मजलिस की पतंग को उड़ाना है। उसकी वजह यहाँ पे जितने भी मेरे माए बहने बैठे हैं उनसे मैं डोर टू डोर जाकर मिला हूँ। आप लोगों का कहना कि यहाँ की रोड खराब है, यहाँ की नाली में से पानी नहीं जाता, यहाँ पे नाली नहीं बनी, यहाँ पे कचरा उठाने वाले नहीं आते, खंभों पे लाइट नहीं है, बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, ये तो बेसिक सवाल है। ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे काम। आज हमारे सवाल होने चाहिए थे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जो कर्नाटका की गवर्नमेंट जो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को फ्री आईटीई के ताल्लुक से एडमिशन निकाली है, मैं पूछता हूं कितनों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आपके बीच में रहने वाला ह्यूमननेट ऑर्गेनाइजेशन से जानिब से मैं ताल्लुक रखता हूं। आप सभी जानते हैं जो ये हागरगा की रोड, इतनी बड़ी रोड जो आप फिर रहे हैं, इसके लिए मेरे खिदमात क्या है, मेरी जमात ने क्या काम किया। हमने प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए, हत्ता के यहाँ पे दो दिन का भूख हड़ताल की, आप सभी जानते हैं। यही जुबेर मस्जिद की इसी नाली में आप सभी को याद होगा एक बच्चा गिरकर मरा था मिलादुन नबी के बाद में। उसकी बॉडी को चौक पर रोड ले जाकर ब्लॉक कर प्रोटेस्ट कर उसको पैसे दिलाने का काम हमारी जमात ने किया, हम सब ने मिलकर किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पैसे दिलाने के बाद उसका गम पूरा हुआ, उसके बाद जो वायर से उसकी लाश, उसकी डेथ हुई थी, उसको हटाने का भी काम हमने किया। तो दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब वक्त आया है। हर बार हमने यहां से कांग्रेस को जिताकर भेजा, कांग्रेस को जिताकर भेजा। आप सभी जानते हैं ट्रिपल तलाक के बिल में कांग्रेस ने क्या किया, बाबरी मस्जिद केस में कांग्रेस ने क्या किया, और आज कांग्रेस की क़यादत भी खत्म होने के इस पे कगार पे आ चुकी है। जिस तरीके से यहाँ के एमपी को रिजर्व किया गया, एससी रिजर्व जिस तरीके से किया गया, उसी तरीके से आप नॉर्थ की सीट पे उनकी नजर है। अगर कांग्रेस के ज्यादा कॉर्पोरेटर जीत के जाते हैं तो खड़गे साहब के फर्जंद जो अपने चाहने वालों को जो टिकट दिए हैं उसकी वजह यह है कि यहाँ के नॉर्थ की सीट भी वो लोग एससी रिजर्व करना चाहते हैं। टोटल मुसलमानों की क़यादत को खत्म करना, यह पॉलिसी है कांग्रेस की। आप लोगों के सामने एक मुसलमान की जमात खड़ी है। असदुद्दीन अवैसी साहब के कारनामे अगर बताता चलूं तो मैं समझता हूं अगला इलेक्शन आ जाएगा उनके कारनामे खत्म नहीं होंगे। यहां मेरे साथ में जितने भी मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, हैदराबाद के पूरे शहर है,
जिस तरीके से हैदराबाद शहर को डेवलप किया, मुसलमानों का एक दबदबा, मुसलमानों का एक पायर जो हैदराबाद शहर में लाया है, उसी को कायम करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आए। तारीखी शहर, तारीखी गुलबर्गा शहर, जिसका नाम बदलकर कलापुर की किया गया, उसके खिलाफ भी सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाली हमारी जमात है। उसके ऊपर भी हमारे ऊपर केस चल रहे हैं। ये कितने कॉर्पोरेटर जिताकर भेजे मुसलमान के आप लास्ट कॉर्पोरेट इलेक्शन में, आप सभी जानते हैं। उसी कॉर्पोरेशन से उर्दू बोर्ड को निकाल कर फेंका जाता है। ये हमारे मुस्लिम कॉर्पोरेटर खामोश खड़े मिलते हैं। वही हमारी जमात जाकर प्रोटेस्ट करती है, हमें पे केस होता है, हमें जेल में डाला जाता है, पर बोर्ड को वापस लगाने तक हम अपना प्रोटेस्ट नहीं रोके। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर उर्दू बोर्ड को कायम किया है। आप सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, वोट डालना, सिर्फ वोट डालना नहीं, गवाही देना होता है। आप सभी लोग गवाही दे रहे हैं कि हम इसको अपना खायद बना रहे हैं, हमारा रहबर बना रहे हैं, ये हमारा काम करेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को सुधारेगा। रोड नाली लाल, ये बेसिक चीजें जो जरूरत की चीजें हैं, ये सारे हमारे ला कर देगा। क्या डेवलपमेंट हुआ? मैं पूछता हूं सभी से, अगर हुआ है तो एक भी हाथ उठाए। इस बार जो आपके रोड के फंड काटे गए, जो आपकी हक के पैसे थे माइनॉरिटी फंड, उसको काटा गया। आप बच्चे जो हकदार थे स्कूल के, वो दूसरों को एडमिशन दिलाकर वहां पे आपका हक काटा गया। इस बार आपको असदुद्दीन अवैसी साहब की मजलिस की पतंग को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाना है, इनके हाथ भी वहां तक ना पहुंचे, ये लोग उस पतंग को काट ना पाए। सितम भी सहना, दुआ भी देना, है ना। कांग्रेस का कॉर्पोरेटर जिताना, फिर उसके घर पे जाना, फिर उसके लिए दुआ करके आना, अल्लाह अच्छा रखे, मिलिया नहीं रे बाबा, अच्छा रखे। सितम भी सहना, दुआ भी देना, वो बेबसी का गया जमाना, अगर जरूरत मेरे साथ आओ, बना रहा हूँ एक नया आशियाना, बना रहा हूँ एक नया आशियाना। 3 तारीख से पहले मौका है, वक्त है। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं जमीन से जुड़े हुआ हूँ, ना मेरा कोई बड़ा कारोबार, ना मेरा कोई बड़ा कॉलेज, ना मेरा कोई बड़ा घर, मैं आप लोगों के बीच में से आया हूँ, प्रोटेस्ट कर कर लोगों के हक दिलाकर आज इस मुकाम पे पहुंचा। आज आप लोगों से हाथ जोड़कर इत्तिलजा करता हूँ, आप अपना कीमती वक्त मेरे हक में दीजिए, आप अपना कीमती वोट मेरे हक में दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीम, आपके जो तमन्नाएं हैं, आपकी जो ख्वाहिश है, आप जिस तरीके का कॉर्पोरेटर चाहते हैं, मैं उस तरीके का कॉर्पोरेटर बनकर दिखाऊंगा। अगर आप लोग मुझे जिताते हैं तो सिर्फ आप लोगों के काम करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं, मेरे घर के बाहर कोई वॉचमैन नहीं है, एक बड़ी बेल नहीं है, आप सीधा मेरे घर के अंदर घुस सकते हैं। आप ऐसे आदमी को जिताइए। कॉर्पोरेटर एक नौकर होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता। बड़े बड़े लोगों को मत जिताइए, ऐसे आदमी को जिताइए जिसका गिरेबान पकड़कर आप काम ले, जिसके बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े घर के सामने जाकर आपको हाथ पसारना ना पड़े। तो 3 तारीख से पहले वक्त है, सोचिए, समझिए, समझकर अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। जलो वहीं जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। आज आपको जलना है, आज आपको समझना है। 3 तारीख निकल गई तो ये वक्त खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे बाद मेरे बड़े भाइयों भी बोलना बाकी है। अकेले चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।